नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आखिरकार देर शाम पटना पहुंच चुके हैं। ऐसे में बात अगर हम करें तो इस वक्त बिहार में जातिगत जनगणना और साथ ही राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीति हो रही है और सबके बीच धमाकेदार एंट्री हुई है लालू प्रसाद यादव की। लेकिन अब आपको बताएं कि लालू प्रसाद यादव के पटना आने से सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है तो वो है तेज प्रताप यादव। चूंकि तेज प्रताप यादव पहले ही आरजेडी के कुछ नेताओं से नाराज चल रहे हैं और साथ ही साथ आरजेडी को छोड़कर अपने छात्र जनशक्ति परिषद में पूरी तरह से तेज प्रताप यादव लगे हुए हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव के पटना आने के साथ ही तेज प्रताप यादव की तरफ से इशारों ही इशारों में बड़े बदलाव के संकेत दिए गए हैं। कल की वो तस्वीरें हमने देखी जहाँ पर एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए खुद तेज प्रताप यादव पहुंचे। इसके बाद जब राजद कार्यालय में लालू प्रसाद यादव पहुंचे तो उस वक्त तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के साथ ही नजर आए और यही वजह है कि अब आगे की राजनीति को लेकर बड़े बदलाव के संकेत तेज प्रताप यादव की तरफ से दिए जा रहे हैं। इस बीच पूरी जानकारी आपको देते हैं कि आखिर बिहार में लालू प्रसाद यादव की एंट्री से क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा और साथ ही साथ तेज प्रताप यादव को इसका कितना फायदा मिलेगा। आपको बताएं कि लालू यादव के दिल्ली से पटना आने के बाद तेज प्रताप यादव की तस्वीर लालू प्रसाद यादव के साथ सामने आई है और साथ ही साथ बड़े बदलाव के संकेत भी तेज प्रताप यादव की तरफ से दिए गए हैं। ऐसे में बुधवार की शाम लालू यादव मिश्रा भारती के साथ दिल्ली से पटना पहुंचे। इस दौरान पटना एयरपोर्ट पर राजद समर्थकों ने लालू यादव के पक्ष में जमकर नारेबाजी की। लालू यादव के स्वागत के लिए समर्थकों की भारी भीड़ नजर आई। तेज प्रताप यादव अपने पिता को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे। तेज प्रताप यादव लालू यादव की गाड़ी में ही बैठकर राबड़ी आवास आए। लालू के पटना पहुंचने के बाद तेज प्रताप यादव की तरफ से संकेत दिए गए हैं जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि अब गरीबी और साथ ही साथ अब पिछले पायदान पर खड़े लोगों की अब बात करनी होगी और इस वजह से हमें बार बार डराने की कोशिश की जाती है लेकिन हम डरने वाले नहीं है। तो बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी जब इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई थी, तेज प्रताप यादव जब सीएम नीतीश कुमार से मिले थे तो उस वक्त भी बड़े बदलाव की बात तेज प्रताप यादव की तरफ से कही गई और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अब हमें उस दिन का इंतजार करना होगा जब लालू प्रसाद यादव पटना आएंगे। ऐसे में लालू प्रसाद यादव पटना पहुंच चुके हैं। आज की अगर हम बात करें तो राज्यसभा चुनाव को लेकर वो दूसरा नाम कौन होगा इस बात का खुलासा भी हो जाएगा। खुद लालू प्रसाद यादव की तरफ से इसका ऐलान किया जाएगा और यही वजह है कि कई सारी ऐसी बातें हैं जो इस वक्त बिहार की राजनीति में घूम रही है। ऐसे में तेज प्रताप यादव की तरफ से दिए गए संकेत के क्या मायने हैं या आगे क्या कुछ बदलाव बिहार में देखने को मिलता है, ये सभी चीजें सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव के एक्शन पर ही निर्भर करता है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।